तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनटेक बीआरके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हम रीसेलिंग के बिजनेस में ज़्यादा ऑर्डर कैसे लाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा ऑर्डर लाना मैंने काफ़ी सारी ऐसे वीडियोस बनाई है जिसमें आपको बताया भी है, तरीके भी बताए हैं कि ज़्यादा ऑर्डर हम कैसे लाएंगे। लेकिन अभी आपको पता होगा, रिसेंटली जल्दी ही होली आ रही है, ठीक है, और उसके पहले महाशिवरात्रि। तो हम इन दो त्यौहार जो हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है, तो इनमें हम किस तरीके से ज़्यादा रीसेलिंग करके अच्छी खासी कमाई करेंगे, इसके बारे में ये वीडियोस होने वाला है। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली मोबाइल स्क्रीन पर ले जाके भी सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हमें ज़्यादा सेल लानी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपने इन त्यौहार में भी अगर रीसेलिंग बिजनेस में कुछ अलग करने की कोशिश की, या फिर कुछ ऐसा कि हम जिस तरीके से पुराने टाइप से बेचते आ रहे हैं उसी तरीके से बेचते आएंगे, तो फिर आप ज़्यादा ऑर्डर नहीं ला पाएंगे, जितना आप पहले लाते थे उतना ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये तरीका मेरा यूज़ कर लिया तो थोड़े ज़्यादा ऑर्डर आपके आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोज़ मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। और रिसेंटली मैंने एक वीडियोज़ भी लाई थी, ठीक है, वैसे कहा जाए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 15-16 दिन पहले मैंने एक वीडियोज़ डाली थी चैनल पर, और उसके बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें तो बता दूंगा, लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर रीसेलिंग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर लाना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना। ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा, ठीक है। उसमें मैंने यूट्यूब चैनल बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दूँ, महाशिवरात्रि आ रही है, उसके बाद आएगी होली, ठीक है। तो हमें पहले ही सारी तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि महाशिवरात्रि में एक दो दिन बसे और फिर हम तैयारी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और होली में भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अब से आप तैयारी में लग जाओ। सबसे पहले तो आप मीशो, शॉपिंग जीरो, ग्लोट तीनों एप्लीकेशन को अच्छे से देखना शुरू कर दो कि इन एप्लीकेशन में प्रोडक्ट कौन कौन से अच्छे हैं, ठीक है, जो कि इस टाइम ज़्यादा सेल होंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि हमें ये सारी चीज़ें पहले से ध्यान में रखना है। वैसे मैं बता दूं, इन तीनों एप्लीकेशनों में भी ये प्रोडक्ट ऊपर रहते हैं ज़्यादातर, और ऊपर नोटिफिकेशन में भी चलते रहते हैं ये सारे प्रोडक्ट, तो आप उनको देख के भी आपको अंदाज़ा तो लग ही जाएगा। अब मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट कौन कौन से। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि की तैयारी आप ये कीजिए कि जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें शिव जी के जो यहाँ पे ब्रेसलेट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो तैयार कीजिए। और उसके बाद जितने भी टी शर्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा टी शर्ट वगैरह होते हैं, पूजा की थाली होती है, कुछ ऐसे शिवलिंग टाइप बने हुए कुछ आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी तस्वीरें वगैरह होती है शिव जी की, तो ये सारी तस्वीरें, इन सभी को आप मार्केट प्लेस में सेल आउट करने की कोशिश कीजिए, सेल करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छे ऑर्डर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो महाशिवरात्रि में ये सारी चीज़ें सेल होगी। अब तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि महाशिवरात्रि के अभी 5-7 दिन ही बसे हैं और आप तैयारी कर दो, तो ऐसा नहीं करना, आपको जल्दी से जल्दी ये सारी तैयारी करनी है, उसके बाद आपके ऑर्डर आना भी शुरू हो जाएंगे। अब रही बात दूसरी की, आ रही है आगे होली, उस पर मेरे कुछ स्पेशल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे होली पर कैसे ज़्यादा सेल करते हैं। मैं सारी एक एक करके पूरी टेक्निक बताऊंगा, ठीक है, आपको टैग कैसे डालना है, कैसे आपको इंस्टाग्राम से भी ऑर्डर लाना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इंस्टाग्राम पर तो ऑर्डर मिलते रहिए तो कैसे लाए। इंस्टाग्राम पर ऑर्डर देखो मिलते हैं, बट हम अगर ऐसे ही पोस्ट करते रहते हैं तो कम मिलते हैं, लेकिन अगर हम सीज़न वाइज करें, जैसे अभी होली आ रही है तो होली के सीज़न में अगर हम करें तो वहाँ पे टैग लगा के वहाँ पे हम ऑर्डर ला सकते हैं, ठीक है। ये तरीका एक होता है जिसको मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में जल्दी ही। तो अब आपको होली की भी तैयारी करनी है, इंस्टाग्राम पेज, अकाउंट, यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप तैयार कीजिए, बनाइए, डालिए, सब कुछ करना शुरू कर दीजिए। और ऐसे ऐसे आप थंबनेल वगैरह बैनर रखिए, ठीक है, जो हम यूट्यूब में रखते हैं, तो इस टाइप से आप रखिए अट्रैक्टिव थंबनेल, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लोग आपकी वीडियोज़ को देखेंगे और प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर 1000 लोगों ने भी देख दिया तो कम से कम आपके 20-22 ऑर्डर आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा एक अच्छे से यूज़ कीजिए और अच्छे खासे आप ऑर्डर ला दोगे। अब मोबाइल स्क्रीन पे सारे सेल के प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे सेल आउट हो सकते हैं, सेल हो सकती है जिन पर, और आप उनसे ऑर्डर ला सकते हैं, ठीक है। और सबसे एक बड़ी बात ध्यान रखना, जिन पे 5-स्टार रेटिंग होती है उनको ज़्यादा आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा सेल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उन पर क्या है कि ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो सेलर होता है, जो इन पर सेल करता है, वो काफ़ी फास्ट सर्विस वगैरह देता है, इसलिए उनको 5-स्टार मिला हुआ होता है, ठीक है। तो आप एक बात इसका भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए सारी चीज़ें मोबाइल स्क्रीन पर बता दो, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें देख के कर लेते हैं, चलिए मोबाइल स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं मीशो एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहेंगे, ठीक है, इस टाइम। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है।
बहुत सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखते रहेंगे। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ट्रेंडिंग नाउ पे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो एक महाशिवरात्रि स्पेशल है और एक होली स्पेशल, ठीक है, कलेक्शन। तो हमें इन दो कैटेगरी पे अभी फोकस करना है क्योंकि अभी महाशिवरात्रि आने वाली है और होली आने वाली है। तो आपको होली कलेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो दस्ताने वगैरह हैं और उसके अलावा यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी यहाँ से सेल करने की कोशिश करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ से सेल होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाले, देखो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सेल होंगे। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखो कलर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सेल होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और लोग अभी बाहर से कम लेंगे, ठीक है, मार्केट से इन चीज़ों को, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इनको सेल कर सकते हो। इसके अलावा अभी मैं आपको कुछ सर्च करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पहले सर्च किया है महादेव ब्रेसलेट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और थोड़ा अगर नीचे जाऊँ तो यहाँ पे देखो अभी तो कुछ है नहीं फिलहाल, लेकिन नीचे जाते हैं देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है। देखो यहाँ पे देखो ये देखो शिव जी के ओम वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो देखने को मिल जाएगी, ये वाले। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेल होगी। और इसके अलावा मैं कुछ और भी सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे हैप्पी होली टी शर्ट है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये टी शर्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा सेल होंगी। तो आप एक बार देख लीजिए इन टी शर्ट को, ये देखो, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेल होंगे। बुरा न मानो होली है, इस टाइप के टी शर्ट काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं। तो आप इन पर भी ऑर्डर लगा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, कई टाइप के टी शर्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो इन पर वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकते हो, काफ़ी ऑर्डर मिलने के चांसेज है, ठीक है। काफ़ी सारे आप देख सकते हो, बहुत सारे टी शर्ट है, तो आप इनको सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन सभी को सेल कीजिए। यहाँ पे रेटिंग देख लीजिए आप, ठीक है, 217 लोगों ने 3.6 की रेटिंग दी, तो अच्छी रेटिंग है सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो 4.3 की रेटिंग है, मीशो के द्वारा ट्रस्टेड है। तो इन सभी चीज़ों को आप सेल कर सकते हो और काफ़ी अच्छे ऑर्डर ला सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने हिंट दे दिया कि इस टाइप के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाले हैं। तो दोस्तों आपने कुल मिला के देख ही लिया कि मैंने किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बताई है कि कैसे हम ज़्यादा ऑर्डर लाएंगे, और सारी चीज़ें मैंने प्रोडक्ट भी बताए, इस टाइप के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सेल होंगे। आप देख लेना, अगर आपको विश्वास ना हो कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, अभी आप जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आप अपनी, ठीक है, फेवरेट लिस्ट में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप उस पर जो रिव्यू होते हैं उनको चेक कीजिए, काउंट कीजिए कि कितने रिव्यू हैं, और उसके बाद जब 4-5 दिन बाद में आप उनका रिव्यू देखना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे ऑर्डर मिल रहे हैं और लोगों को अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आपको भी कुछ ऐसे ऑर्डर मिलेंगे। बस लगे रहना है क्योंकि सीज़न आ रहा है, ठीक है, होली आ रही है, हमारे त्यौहार आ रहा है, और उसके साथ साथ महाशिवरात्रि भी आ रही है। तो इस तरीके से जो सीज़न होते हैं उसमें हमें सीज़न के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आया हो, तो नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को हमारी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।